हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। हम हो गए हैं भाई नहा धो के रेडी। आज हमारा है फर्स्ट डे इन गोवा। रात को आए थे, रात को तो सिर्फ सो गए थे। आज घूमेंगे अच्छे से, आज अच्छे से एक्सप्लोर जहाँ जहाँ जाएंगे जो जो करेंगे। आज बारिश का मौसम हो रहा है, देखो यार ये पेड़ किस चीज़ का है। देखो नारियल का पेड़ है, वो देखो नारियल दिख रहे होंगे और यहाँ नारियल के पेड़ बहुत सारे मैंने नोटिस करे थे रात में। ये हमारा होटल था, रात को भी दिखाया था मैंने आपको, सब कुछ बताया था, प्राइस वाइज पिछले व्लॉग में सब चीज़ बताई थी ए टू जेड। तो हमारे एक भैया आ रहे हैं, दीपू भैया, बल्लभगढ़ में ही रहते हैं जो, उनका यहीं पे यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे ना आरम मॉल पे उनका होटल है। मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा आ जाओ, मतलब उन्हें पता तो थी मैं आ ही रहा हूँ। वो कह रहे थे सुबह नहा धो के आराम से आऊँगा, तू भी तैयार हो जाइए, जब तक साथ में घूमेंगे, साथ में नाश्ता वो लंच करेंगे। तो निकल गए वहाँ से, आधे घंटे में आ जाएंगे, उनका इंतज़ार है बस। बाकी चेकआउट करने जा रहा हूँ मैं रूम, क्योंकि 1 बजे मुझे दूसरे होटल में चेक इन करना है जो कलंगूत पे। यहाँ से कितनी दूर होएगा, 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। उसके प्राइस वगैरह, उसकी डिटेल वगैरह सब वहीं पे जाके दूंगा। चेकआउट कर दिया है, अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने। इतने दीपू भैया आते हैं, उनका वेट करेंगे खाते खाते, तो चलते हैं होटल पर। इतनी सारी स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग ना स्कूटी वगैरह पे ही चलते हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं सब स्कूटियों पे चलते हैं। रेस्टोरेंट है बिल्कुल होटल के पास ही था। यहाँ देखो एक खासियत है, आपको रेस्टोरेंट के अंदर ही ना वाइन बियर वियर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। देखो ये रफ फ्रिज में भी है यहाँ पे। दीपू भैया आ रहे हैं, कह रहे हैं 5 मिनट मारो, इतना बैठ के हम पराठे खा लेते हैं। आगे भैया हमारे दीपू भैया, स्कूटी लगा दो यहाँ सामने, लगा देते ना भैया इससे बढ़िया तो वहाँ लगा देते। अरे कुछ खा लेंगे ना। और सुनाओ दीपू भैया कैसे हो? आई एम फाइन। तुम तो गोवा के सही आदमी लग रहे हो। जाता मैं अभी। भाई दीपू भैया बिल्कुल गोवा के सही आदमी लग रहे देखने में। ऑर्डर आ गया है, 2 पराठे मिक्स वेज और 1 चाय। तुम चाय नहीं पियोगे भैया? भैया एक चाय और कर देना। मैं नहीं पीता बियर वियर, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ पर मैं बैग में रखा हुआ है। दीपू भैया से लिया है हमने ये 10 यूरो सेंट का सिक्का। कितने क्या प्राइस है इसका? 100 रुपये नहीं, 1000 नहीं, 900 कुछ। हाँ 1 यूरो 90 रुपये का हो गया ना, तो ये 900 या 1000 रुपये बैठे। अभी भैया से हमने छीन लिया है। ये आगे गाइस हम कलंगूत सेंट्रल, ये ऊपर वाला होटल है हमारा, वो लग रहा ना बोर्ड, देखो कलंगूत सेंट्रल। अभी 12 बज रहे हैं, इन्होंने कहा 1 बजे तक आ जाना सर, क्योंकि चेक इन टाइमिंग भी 2 बजे थी। मैं 12 बजे ही आ गया, भैया कह रहे थे कि 12 बजे तक मिल जाता है, तो लास्ट डे यही ले लूँगा। परसों तक के लिए है, अभी चल रही है। हाँ अभी जा रहे हैं मैं और भैया, फिर इतने स्कूटी लेने के लिए अपने दोस्त से दिलवा रहे हैं। वैसे मिलती है भाई 500 रुपये में, भैया दिलवा रहे 350 में दिलवा रहे हैं। यहाँ ठेके बहुत हैं भाई, पब्लिक ज़्यादातर पीती है। देखो होटल के सामने ये रेस्टोरेंट है, आता बार, यही कमाई है, इसी चीज़ की कमाई है ना भाई, इसी की कमाई है। हर ठेके पे बियर मिलेगी, हर भूखे पे बियर मिलती है। ये तो पता था, लो पीके वाला। तो गाइस चलते हैं अभी स्कूटी लेने। भैया लाए हैं अभी अपने फ्रेंड के होटल में, अंकल जी इनका होटल है। ये देखो सामने ऊपर नारियल के पेड़ पे नारियल टंगे हुए हैं। दीपू भैया की टांट पे गिर जाओ, मजे आ जाएंगे। हेलमेट पहन लो। लास्ट डे हमने डिसाइड करा इस होटल में रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास में ही बीच है ना अंकल जी। कितनी दूर है बीच यहाँ से बताओ? 1 मिनट में हम बीच पे पहुंच जाएंगे, सामने और व्यू भी अच्छा। और सुना के ये भैया दोस्त हैं भैया के, दीपू भैया के दोस्त हैं। स्कूटी लिए भाई हमने 700 रुपये में, 2 दिन के लिए 350 में, जिसमें 50 रुपये भैया का कमीशन होता है ना। मेरे नहीं होता। इनका होता है। ये देखो भाई ये किस चीज का पेड़ है वाला? ये देखो चीकू का पेड़ है, कितने सारे चीकू लग रहे हैं। देखो इसके ऊपर नारियल का पेड़ है, वो नारियल लग रहे हैं। प्राइवेट नंबर स्कूटी लेके घूमता है ये आदमी। अरे इधर लगा दो भैया, अब हम जा रहे हैं बीच पे। कलंगूत है ना ये, बॉक्स लिया हमने। दीपू भैया के अच्छे लग रहे हैं ये वाले, मुझे पसंद आए थे, इसमें मेरा साइज नहीं मिला, मैंने ये वाले ले लिए। फिर खुश हो? हाँ बढ़िया। कितने के लिए दोनों? 750 रुपये में।
मेरे 400 के और दीपू भैया गए कितने के 350 और 1200 बोल रहा था दोनों के। ऊबर ड्राइविंग बंद पड़ी है क्यों मेरा पॉपट काट रहे हो भाई? एक्टिविटीज वगैरह ना हमने जानकार से पूछी थी, उनने साफ बता दिया, कह रहा वो डैम का वाटर होता है उसमें कूदा देते, ले जाके अभी फिलहाल बंद है। पहले बोला तुम्हें, तुम हमें पहले बताया था, हमको याद है, मैंने बता दिया, मान ही नहीं रहे भाई साहब। ये आ गए हम कलंगुट बीच पे, ये भैया क्या बोलते हैं इस लाइन को, कलंगुट लाइन है, ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। टैटू वाले पीछे पड़ गए, अभी टैटू वाले इतने सारे हैं यहाँ भाई, टेम्परेरी परमानेंट सारे, कह रहे टेम्परेरी बनवा लो इनका भाई, हमारे में अलाउड नहीं है। मम्मी ने काजू मंगाए। आगे हम कलंगुट बीच पे, ये देखो सी व्यू। आज मैं इसमें दीपू भैया को डुबाऊंगा। यार पानी तो बहुत ऊपर तक आ रहा है भैया, यहाँ पे भी आ जाता है क्या पानी? ये देखो वो पल्ली साइड बागा बीच है, ये कलंगुट बीच है पूरा का पूरा, वहां पे सामने बागा का बोर्ड है भाई। हम तो नहीं नहाएंगे अभी, हम बाद में नहाएंगे। कहाँ तक पानी आ रहा ऊपर तक चल रहे हैं, एक मिनट वो देखो सामने, देखो जलपरी नहा रही है यार, पूरी चप्पलों में रेत भर गई। दीपू भैया कितनी आगे जा जा के नहा रहे हैं, सबसे आगे यही है भाई, देखो ये टहरते वारे पापा के जलपरे, देखो 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 लहरों के साथ रेत निकल रहा है पैरों के नीचे से। के आ गए हम भैया, काले काले से हो गए। हाँ 2 साल जॉब छोड़ दी थी इन्होंने, काला काला से हो गया बिल्कुल, देखो रेत ही रेत पूरे कपड़ों में, चप्पलों में, सब जगह रेत ही रेत। भैया अपनी चप्पलें तो ले लो, चलते हुए ले लेंगे, चलते स्कूटी पे आ जाओ। ये कृष्णा भैया है, इनका यहाँ होटल है सामने, ब्लू मरीन वोरा। दीपू भैया बनवा रहे हैं अपने हाथ पे टैटू माँ का, ये वाला अभी बनेगा जब दिखाएंगे आपको। कौन से हाथ पे बनवा रहे हो दीपू भैया? दीपू भैया टैटू ये बनवाया भाई मन नाम का, प्लास्टर भी चढ़ा दिया भैया के हाथ पे। भूख लग रही है भैया, कुछ खाने चल रहे हैं, चलो कुछ कहीं जा रहे हैं खाने कहीं रेस्टोरेंट में। उस भैया का नाम क्या था? कृष्णा। कृष्णा भाई तो गए खाना बनाने अपने होटल में, शेफ है वो, इसमें ब्लू मरीन में, ये पूरा ब्लू मरीन है वहाँ तक। 45 कमरे भाई इस होटल में, 45 है ना, 45 कमरे है भाई। ये भाई हमारा दूसरा होटल का रूम, देखो मैंने आते ही नहाने घुसा था, फैला दिया सब कुछ, ये सब है हाँ, ये मिरर है, ये टी कॉफ़ी वगैरह सबके लिए है, ये बेड है, और बाथरूम दिखाता हूँ आपको। तुम पे मरते हैं, ये है बाथरूम है। ये रूम लिया है हमने कितने में? 2000 रुपये पर डे। गाइस लॉबी है यहाँ की, ये वाला कमरा है हमारा, हम जा रहे हैं ऊपर टेरेस पे स्विमिंग पूल के पास, वहाँ पे दीपू भैया बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं मेरा, टेरेस पे है वो। लिफ्टिंग भी भाई बहुत बढ़िया है इसकी, कितने बंदों की कैपेबिलिटी है? 15% भाई साहब, 1 ton 20 kg का वेट है। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है हमारे होटल का, कहाँ बैठे हैं दीपू भैया? वो बैठे झूले में, ये हमारे यहाँ का रेस्टोरेंट है। नहाए क्या भैया इसमें? मैंने कहा तो नाऊंगा यार, मैंने कपड़ा पहन लाया, मेरे पहन लेना जी, आ रहे थे अपना साइड देख लेते, टी शर्ट वगैरह दे दूंगा ना, उतार के कच्चे में ही तो नहाओगे, तो इसमें नहाने का मजा अलग है। ये स्विमिंग पूल है हमारे टेरिस पे होटल के, ज़्यादा गहरा थोड़ी है, पर यहाँ पे खाना खाएंगे भाई, ना ना चलने ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह में, बाहर ही रहेंगे रात को तुम। ये हमारे होटल के यहाँ से व्यू है, क्या इससे नीचे वाले पे है स्कूटी, वो खड़ी, वो कह रहे थे कि सामने को ना पार्किंग है बैंक के सामने किसी, हाँ उसके सामने ही पार्किंग बता रहे थे। ये व्यू है भाई, पूरा मौसम देखो, इधर तो बादल है, इधर धूप है। इस गेट का नाम क्या है दीपू भैया? ये वाला गेट है जो
इन्हें भी नहीं पता गाइस, इन्हें भी ज्यादा नहीं पता गोवा के बारे में। अरे कहाँ चले भैया आप? लॉन्ड्री चलने, घर चलने, फिर वहां से देखते हैं कहीं निकलना। भैया कह रहे हैं कि एक बार इनकी लॉन्ड्री चलना है, वहां से इन्हें कोई बैग वैग लेना है, फिर इनका जो बॉस का घर है वहां पे जाना है। घर दिखाओगे ना बॉस का? कह रहे मस्त घर है। चलो ये देखो भाई, ये जो पीछे लॉन्ड्री है ना, ये दीपू भैया की है, मतलब इनके बॉस की, मतलब दीपू भैया के अंडर रहती है। इनकी खुद की जमीन पे है, यहाँ पे खुद की जमीन है इनकी, और ये खेत है गोवा के अंदर। अब ये ले जा रहे हैं अपने, जा रहे लाए अपन लोग अभी तुम्हें भूत बंगला दिखाने का। अभी कह रहे हैं अपन को भूत बंगला दिखाने का, तो अपन इनके साथ जा रहे लाए। चलो चलो वीडू मंत्र हाउस, अपने बॉस का घर पे ले जा रहे हैं। गाइस ये देखो, ये इनके बॉस का घर है। अंदर जाके ये खोपड़ी लगी पड़ी है उल्टी, ये मूर्ति है। गेट लगा दूंगा। ओके ब्रो, उत्ते उत्ते आ जाता हूँ ना। ये बैल भी लग रही है पीछे यार, ये तो बिल्कुल ही अजीब ही टाइप का है। तुम बने किधर जाने का? इधर से देखना, ये साइडों साइडों में से आगे जा रहे हैं। इन्होंने एक बार वीडियो कॉल पे दिखाया था मुझे, आज लाइव देखते हैं। ये देखो बैल ही बैल लगी पड़ी है पूरे रास्ते में। ये किस चीज़ का प्लांट है यार? ये क्या शहतूत टाइप बॉल पड़ी है? ये शायद केले का पेड़ ना, केले का ना उसका दिखा है, पता ना किसका। ये देखो ये क्या टंग रहा है, बेल पत्थर तो नहीं है, वो है नींबू का वर्जन होता है ना मोटा वाला वो। ये स्पेस दे रखा है अब गार्डन का। ये घर है, ये देखो काफी ओल्ड टाइप क्लासी लुक है। ये मेरे ख्याल से अपने आप हो गए हैं उल्लू। ये देखो ये क्या छापा पड़ा है, कंकाल सा। ये बुद्ध देव है शायद। ये पुरानी बाइकें खड़ी हुई हैं, बुलेट वुलेट इनके बॉस की। ये तुम्हारे बॉस की है बाइकें? अरे ये सब रेंटेड है। रेंटेड है? ये सब वो रखते हैं ना जो कहते हैं घरों वरों में जो रखते हैं। ये क्या है? वही बोतलें कैसे सजा रखी है भैया? ऐसे ही रख देते हैं ताकि भूत भूत ना आए। हम वेगेटर बीच पे, यहाँ पे स्टोन वगैरह ज्यादा है। ये देखो उधर की साइड, ये स्टोन वगैरह, यहाँ पे फोटोज वगैरह के लिए बहुत मस्त प्लेस है भैया। दिन में ही ले आते हैं यहाँ पे यार, इतनी मस्त जगह है। दिन में नहीं ला सकते थे? फोटो शूट वगैरह कर लेते हम लोग। ये अच्छा है यहाँ पे फोटो शूट, कितना मस्त होता है ना। चले आगे को देखो भाई, केकड़ा पानी के अंदर देखो, दिखा अंदर ले जाना फोन को। ये देखो केकड़ा केकड़ा। दूर भग रहा है भैया, पकड़ो ना इसे। मैं ना पकड़ रहा यार। ए पकड़ो, ये यार डर लग रहा है, ये डंक ना मार दे। अरे भैया ये रे रे बात निकलो, महाकसम ये कहा ये रहा। आ तो जान दे ना गाइस। ये देखो शी शैल मिला है, इसके अंदर क्या है भैया दिखाना? कुछ है इसके अंदर, है ना कुछ? छोटा सा केकड़े का बच्चा है शायद, कीड़ा है, कीड़ा निकाल दो इसे केकड़े को। और मुझे ये वाला मिला है, क्या मिला है ये? ऐसे मत करो यार, ये गलत हरकत है भैया। देखो यार क्या नजारा है। ये देखो इन भाई ने पकड़ लिया ये रहा केकड़ा, काट लिया क्या इसने तुम्हारे हाथ पे? ना कैसे पकड़ा भाई तुमने? मुंह ही पकड़ रखे हैं दोनों जो काटते हैं। हाँ ये देखो भाई, ये रे केकड़े ही केकड़े, ये रे अब कितने सारे, भाई कितने सारे केकड़े। फोन पानी में अंदर, अरे कभी खा जाए फोन ना खाएगा भाई। ये रे ये पकड़ रहे हैं देखो, रुक जाओ देखो ये भैया पकड़ रहे हैं दोनों। तुम और दिखाओ ना जब पकड़ेंगे। अरे वो रहे ना कितने सारे ये रे, इनके पैर के पास ही भाई के। टॉर्च जलाओ। अरे
देखो ये रे कितने सारे, ये रे केकड़े ही केकड़े। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं दीपू भैया के साथ, कहाँ, बागा बीच, बागा बीच पे जा रहे हैं। देखते देखते नहीं चल रहे हो तुम मेरे साथ। अरे यार भैया जा रहे हैं वापस अपने होटल, इनका प्लान एकदम कैंसिल हो गया जाने का, कह रहे काम वाम देखना है थोड़ा सा जाके। अब हम अकेले जा रहे हैं बागा बीच पे। ठीक है भैया, बाय बाय, कल तो मिलोगे? हाँ कल, कल जाएंगे हम टीटोस लैंड, है ना, टीटोस लैंड कल। ओके कल मिलते हैं, नहीं ओके टाटा। हम बागा बीच पे, ये देखो ये शेक है, यहाँ पार्टी चलती रहती है साइड में, शेक ही शेक है। वहाँ तक दिन में हम वहाँ पे नहा रहे थे सामने जा कलंगूत है, ये बागा है। पानी नीचे हो गया मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, या इस साइड नीचे होगा, वहाँ पे तो आगे था जहाँ आगे था भाई। यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी यार अंदर, हमें खाना वाना ही तो खाना, अपने होटल में जाके खा लूँगा मैं तो। मेरे होटल में भी रेस्टोरेंट अच्छा है ऊपर टेरेस पे, मुझे क्योंकि ये क्लबिंग वगैरह पसंद नहीं है ज़्यादा। कल जाऊँगा टीटोस लैंड, वहीं पर ही इंजॉय कर लेंगे। गाइस ये देखो स्टार फिश, आई थिंक ये मरी हुई है, हिल विल नहीं रही है क्योंकि ये गाइस देखो ये पकड़ ली मैंने स्टार फिश, मरी हुई है, इसका इंतकाल हो गया, इसके अम्मी अब्बू नहीं मिले। क्या के भाई हम वापस अपने होटल में चलते हैं, ऊपर अपने रेस्टोरेंट में खाएंगे पियेंगे कुछ। चलो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, टाटा बाय बाय टिल देन गुड नाइट, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, रेस्ट करेंगे। अब मिलते हैं आप सभी ब्लॉग में नेक्स्ट डे, हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। थैंक यू।